हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो Y18 डिवाइस के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग फाइल मैनेजर में सेव कैसे करें। दोस्तों, वीवो Y18 फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग फाइल मैनेजर में सेव कैसे करेंगे। दोस्तों, आप कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग करते होंगे तो आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो आपके नंबर के साथ में आपके डायलर के अंदर ही सेव रहता है। जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो आपके फ़ोन स्टोरेज के अंदर सेव नहीं होता है। अगर हमारा कॉल रिकॉर्डिंग हमारे फ़ोन स्टोरेज के अंदर सेव नहीं होगा तो लाइफ टाइम तक हमारे फ़ोन में नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो हमारा नंबर है जैसे डिलीट होगा साथ में जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी डिलीट हो जाएगा। अगर हमारा कॉल रिकॉर्डिंग हमारे फ़ोन स्टोरेज में सेव रहेगा तो उसको हम लाइफ टाइम तक रख सकते हैं, चाहे जब तक अपने फ़ोन में रख सकते हैं, और उसको शेयर भी कर सकते हैं, उसको यूज भी कहीं पर करना है तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने कॉल रिकॉर्डिंग को अपने फाइल मैनेजर में सेव कैसे करेंगे, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बता देते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम अपने सेटिंग को ओपन करेंगे। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग यहां पे ओपन हो जाता है, और थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप्स का ऑप्शन, तो आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपके फ़ोन में जो यूज एप्लीकेशन है यहाँ पर आ जाएगा, और नीचे आप देख रहे हैं कुछ सेटिंग आ रहा है, तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा इनेबल अल्टरनेट फोन एंड कॉन्टैक्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा बटन आएगा, आपको उसको इनेबल करना है। तो जैसे आप इसको इनेबल करेंगे यहाँ पे ओके का ऑप्शन आता है, तो आपको इसको ओके कर देना है और इसके बाद यहाँ पे सेट नाउ कर देना है। जैसे आप इसको सेट नाउ करेंगे जो आपका डायलर है वो रिप्लेस हो जाएगा, जो आप अपने फ़ोन में डायलर यूज कर रहे थे वो रिप्लेस हो जाएगा, वहाँ पर जो आपका डायलर है वो चेंज होके दूसरा डायलर इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, जो आपका डायलर है वो गूगल डायलर है, और आप गूगल डायलर के अंदर कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो गूगल डायलर के अंदर ही सेव हो जाएगा। अगर आप अपने डायलर को चेंज कर देते हैं या अपने डायलर को रिप्लेस करके वहाँ पर कोई दूसरा डायलर इंस्टॉल कर लेते हैं तो जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो आपके फ़ोन स्टोरेज के अंदर सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, वीवो के फ़ोन में दो डायलर होते हैं, एक गूगल डायलर है और एक ओल्ड वाला जो डायलर आता था सभी फ़ोनों में, उसको भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों डायलर आपके फ़ोन में दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो डायलर आ रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी डायलर हमारे फ़ोन में यूज हो रहा है ऊपर वाला है, और जो हम अभी अपने फ़ोन में यूज करेंगे वो नीचे वाला। आपको हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जो हमारा डायलर हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, अब इसको यहाँ से हम कट करेंगे, अपने स्क्रीन पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा डायलर है वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डायलर है यहाँ पे चेंज हो चुका है, और इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल डायलर है। जो वीवो का ओल्ड फोन यूज किए होंगे वो इस डायलर को भी यूज किए होंगे। जो सेटिंग आपको गूगल डायलर के अंदर मिलेगा सारे सेटिंग इसके अंदर भी मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे मिलेगा लेकिन सारे सेटिंग आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और अब आप कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपके फोन स्टोरेज के अंदर भी सेव होगा, आपके डायलर के अंदर ही भी सेव रहेगा और आपके फ़ोन स्टोरेज में भी सेव हो जाएगा। आप अपने फ़ोन स्टोरेज में कॉल रिकॉर्डिंग का जो फाइल होता है उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको अपने कॉल रिकॉर्डिंग को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने कॉल रिकॉर्डिंग को अपने फाइल मैनेजर में सेव कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए